में किसान लघु स्थल हिसार के सामने आए हैं, तो पूरा कारण क्या है जानते हैं जी? ये आज क्या कारण है जो सारे इतने? ये कारण है कि जी MSP की लड़ाई के लिए ये एक ट्रेलर है और एक दिन का ये ठहराव था हमारा यहाँ पे, तो उसी के लिए हम लेके आए हैं उस मार्च को। ये क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चा है जो वो कहता है कि अपनी तहसीलों पे ज्ञापन सौंपो और दिल्ली कूच की तैयारी करो। जब भी उनकी तरफ से दिल्ली कूच की तैयारी होगी तो ऐसा ट्रेलर इनको अभी यहाँ पे दिखा के दिल्ली को टिगरी बॉर्डर फिर से बना दिया जाएगा। क्योंकि सरकार ने जब वो तीनों कानून वापस लेने का आग्रह जब उनसे किया गया और उन्होंने लिया था, तो उन्होंने कहा था कि हम MSP की गारंटी देंगे, तो इन्होंने MSP की गारंटी नहीं दी। ये संयुक्त मोर्चे की कॉल थी कि आप तहसीलों में जाके अपने या अपने जिला कलेक्टर के पास जाके ज्ञापन सौंपा जाए और एक बड़ी तैयारी दिल्ली कूच की जाए। उसी के तहत यहाँ पे आज हम संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा हुआ। तो ये पक्का मोर्चा रहेगा या कुछ मतलब? नहीं नहीं, ये पक्का मोर्चा नहीं, पक्के मोर्चे की बात है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा जो भी मजदूर कर्मचारी संघ है, हम 26 तारीख से यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाएंगे। आपने देखा था 118 दिन हमारा पक्का मोर्चा चला था, तो अब की बार उस टाइम तो एक गेट बंद था, अभी 26 जनवरी को एक हाथ में तो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज होगा, दूसरा अपने किसानों का झंडा होगा और इसको 26 जनवरी से टिकरी बॉर्डर बना दिया जाएगा और इसके दोनों गेट बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि 26 जनवरी से पहले 31 दिसंबर को हमारे जब SDM के साथ बात हुई, उन्होंने कहा था कि बेहतर गाँव का बीमा CSC सेंटर से और गुलाबी सुंडी की जो बात थी वो 31 दिसंबर 2023 तक हम पूरा कर देंगे। अगर वो पूरा नहीं करते तो हमने उनको कहा था कि 26 जनवरी को हम आपके गेट पे आएंगे और इसको पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। सरकार की वो विफलता है कि 31 दिसंबर तक उन्होंने वादा खिलाफी की, उसके बाद में अभी अपने पास मजबूरी है कि 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति यहाँ पे पूर्ण रूप से दोनों गेटों को बंद कर दिया। तो आज तो ज्ञापन देने का ही मामला है? हाँ जी, आज ज्ञापन है और सरकार को चेतावनी है ये कि ये एक बड़े किसान आंदोलन की तैयारी है और दिल्ली की कूच की तैयारी है। शुक्रिया।